हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं तूफान स्पोर्ट्स। कल का मैच था मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। ऐसा लग रहा था कि वानखेड़े में कोलकाता नाइट राइडर्स मुंबई इंडियंस के ऊपर भारी पड़ेगी, क्योंकि वेंकटेश अय्यर की सेंचुरी भी आ चुकी थी। लेकिन खैर, मुंबई इंडियंस ने वो मैच 5 विकेट से अपने नाम किया। लेकिन इस मैच की जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी वो थी अर्जुन तेंदुलकर का डेब्यू। अर्जुन तेंदुलकर 2021 से मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे। काफ़ी लोग उन्हें मांग भी कर रहे थे कि उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया जाए, लेकिन 2021 में भी वो बेंच पे ही बैठे रहे और 2022 में भी वो बेंच पे ही बैठे रहे। लेकिन कल वो दिन आ ही गया जब अर्जुन तेंदुलकर ने मुंबई इंडियंस की तरफ से IPL में अपना डेब्यू किया। अर्जुन तेंदुलकर के डेब्यू करते ही गॉड ऑफ क्रिकेट यानी उनके पिता सचिन तेंदुलकर ने ट्विटर पर एक हार्टफेल्ट मैसेज ट्वीट किया है। सचिन ने जो पोस्ट किया उसमें उन्होंने लिखा कि अर्जुन, आज तुमने एक क्रिकेटर के तौर पर अपने जीवन में अगले पड़ाव में कदम रखा है। एक पिता होने के नाते जो तुमसे और इस खेल से बेहद प्यार करता है, मुझे पता है कि तुम इस गेम को वो पूरा सम्मान दोगे जिसका वो हकदार है और इस खेल से भी तुम्हें काफ़ी प्यार मिलेगा। सचिन तेंदुलकर ने आगे लिखा कि अर्जुन, तुम बहुत कड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हो और मुझे उम्मीद है कि ये कड़ी मेहनत तुम आगे भी जारी रखोगे। वैसे आपको बता दें कि अर्जुन तेंदुलकर ने पहली ओवर डाली थी। पूरे कल मैच में उन्होंने 2 ओवर डाले जिसमें उन्होंने 17 रन दिए, लेकिन जो उन्होंने पहला ओवर डाला था वो काफ़ी अच्छा था। मतलब काफ़ी लोग उनके डेब्यू से इम्प्रेस हो गए हैं। आपको कैसे लगे अर्जुन तेंदुलकर की परफॉर्मेंस कल के मैच में, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।